हम सभी ये जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि हर स्थिति में हमारे साथ डॉक्टर खड़ा हुआ होता है। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि पैसे के लालच में आकर कई बार फेक रिपोर्ट्स या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसका खामियाजा आम पब्लिक या फिर आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ऐसा वो इसलिए कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे की इनकम हो जाए या फिर कुछ ज्यादा पैसा वो ऐड सके आम पब्लिक से। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, और आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल, मेडिकल डिस्पेंसरी या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपसे किसी डॉक्टर ने फेक रिपोर्ट दिखाकर आपका ट्रीटमेंट किया है, आपसे ज्यादा पैसे ले लिए हैं और आपका रॉन्ग तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, आपको उसका साइड इफेक्ट्स हुआ है या फिर कोई आपका नुकसान हुआ है या फिर आपके किसी सगे संबंधी या फिर किसी भी पारिवारिक रिश्तेदार की जान गई है, तो आप डॉक्टर के अगेंस्ट में कैसे इंडियन लॉ के अनुसार में लीगल एक्शन ले सकते हैं, कैसे इसकी कंप्लेन फाइल करा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आप जानते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी मेडिकल, किसी डिस्पेंसरी या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे से डॉक्टर के द्वारा एक अनलिमिटेड फीस ली गई है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है, या फिर ये जो बीमारी की रिपोर्ट्स मुझे दिखाई गई है एक्चुअली मुझे वो बीमारी है कि नहीं, तो ऐसे में आप उस डॉक्टर के अगेंस्ट में जो एक्शन लेंगे उनसे सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करना है कि उसके संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करने का मेन मकसद ये होता है कि आप जब भी कोई कानूनी प्रोसेस करें, जब भी उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन लें, तो उन डॉक्यूमेंट्स, उन प्रूफ्स के आधार पर आप ये प्रूफ कर सकें कि हाँ, इसने मेरे साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी किया हुआ है या इस डॉक्टर के द्वारा मेरे पेशेंट पे गलत ट्रीटमेंट किया गया है, ज्यादा फीस चार्ज की गई है। इसके लिए आपको कानूनी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसकी रिपोर्ट्स हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती है, आपका बिल हो सकता है। इन सारी चीजों को मेडिकल रिपोर्ट्स से लगा के आपको कलेक्ट करना होगा, क्योंकि इनके बेस पर ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे या फिर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर पाएंगे कि इस डॉक्टर के द्वारा आपके साथ छल कपट या फिर धोखाधड़ी करके, रॉन्ग ट्रीटमेंट करके गलत पैसा लिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में ये केस फाइल करें या फिर कंप्लेन कर रहे हैं या फिर कोई एक लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो आपको इन चीजों को मैंडेटरी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास उस चीज से संबंधित, उसको जस्टिफाई, उसको क्लैरिफाई, उसको प्रूफ करने के लिए सभी एक सटीक डॉक्यूमेंट और गवाहों का होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये करते हैं प्रोसेस, तो आपको कोर्ट में या फिर जहां भी आप कंप्लेन फाइल करते हैं, आपको इन सारी चीज को रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर रिप्रेजेंट करने के दौरान आप विफल हुए, यानी कि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे में जिसके अगेंस्ट में या जिस डॉक्टर के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं या फिर कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट में उल्टा फिर मानहानि का केस फाइल कर सकता है। भारतीय दंड संहिता में मानहानि का केस मूलतः दो प्रकार से फाइल किए जाते हैं। पहला होता है लीगल केस, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कानूनी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार किसी के ऊपर लगाया गया कोई अपराध अगर सिद्ध नहीं होता है, तो ऐसे में मानहानि लीगल अपराध के अंतर्गत आता है, और उसके अगेंस्ट में फिर वो आदमी जिसके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया गया था वो एक एक्शन ले सकता है और मानहानि लीगल मानहानि के अंदर वो मुकदमा फायर कर सकता है। दूसरी चीज इसमें होता है सिलेंडर। सिलेंडर मानहानि का मतलब ऐसी चीजों से होता है कि जैसे आप किसी के अगेंस्ट में कोई असभ्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप उसे गाली दे रहे हैं या फिर आप उसके खिलाफ में कोई ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को या फिर उसकी मान को ठेस पहुंचती है, उसे सिलेंडर मानहानि के अंतर्गत रखा गया है। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आप अगर किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने जा रहे हैं या फिर कोई कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उससे संबंधित गवाह, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास इकट्ठे करके रखने होंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक किसी हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर को चलाने वाला कोई दूसरा आदमी होता है जो कि अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और उस पर वो विभिन्न विभिन्न डॉक्टरों की नियुक्ति करता है। एक एग्जांपल के तौर पर अपन एक समझते हैं कि सपोज करिए कि आपने एक हॉस्पिटल बनवाया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया, उसको बनाने के बाद आप उस पर 50 डॉक्टरों की एक टीम रखते हैं और उन्हें मंथली आप पेमेंट करते हैं डॉक्टर्स को, जहां पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है जो भी पैसे इनकम होती है वो उसको ऑपरेट करने वाला, उस हॉस्पिटल को ऑपरेट करने वाला मानिक
लेता है और उसमें से उस डॉक्टर की पेमेंट करता है। तो कई बार ऐसा अगर होता है कि आप ट्रीटमेंट के लिए उसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा आपसे मिसलीड करके या आपको गुमराह करके आपसे गलत ट्रीटमेंट के चार्ज ले लिए जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के चार्ज ले लिए जाते हैं, तो ऐसे में आप उस हॉस्पिटल के स्टाफ को कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक स्टाफ होता है जहां पर आप इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं। अब अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं भी हो सकता है ये, तो ऐसे में मेडिकल स्टाफ का वो मैनेजमेंट टीम पूरे उस डॉक्टर की रिकवरी कराता है, चेकअप्स की रिकवरी कराता है, छानबीन कराता है, और ऐसे में अगर कुछ होता है तो वो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेता है और आपको आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाती है। सो सबसे इनिशियल स्टेज में दो चीजें होती है कि डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना और दूसरा होता है उस डॉक्टर के अगेंस्ट में मैनेजमेंट में कंप्लेन करना। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन, यानी कि जिसे कहा जाता है उपभोक्ता फॉर्म। उपभोक्ता फॉर्म में अगर आप किसी डॉक्टर से ऐसे शिकार हुए हैं जैसे कि झूठी रिपोर्ट्स के, झूठे ट्रीटमेंट के या फिर ज्यादा फीस के, तो इसके लिए आप उपभोक्ता फॉर्म में कंप्लेन कर सकते हैं। उपभोक्ता फॉर्म में आप कंप्लेन करेंगे तो जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां भी आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको देना होगा, रिप्रेजेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को करने में असफल होते हैं तो डॉक्टर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है और वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है, मानहानि फाइल कर सकता है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आप डॉक्टर के अगेंस्ट में कंप्लेन करा सकते हैं, वो होता है MCI, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2022 के अनुसार ऐसे बहुत सारे प्रावधान, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो कि डॉक्टरों का पंजीकरण, डॉक्टरों के संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उस डॉक्टर के अगेंस्ट में लिखित कार्यवाही दर्ज करा सकते हैं। लिखित कार्यवाही अगर आप दर्ज कराते हैं तो वहां भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंटेशन के प्रूफ पे आप ये वहां पर एप्लीकेशन देते हैं या फिर आप केस फाइल करते हैं कि इस डॉक्टर के द्वारा आपके साथ गलत तरीके से रिपोर्ट बना के और गलत ट्रीटमेंट किया गया और गलत ट्रीटमेंट के साथ साथ आपसे ज्यादा फीस चार्ज की गई। ऐसे में आप MCI को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवी चीज आती है जो कि होता है सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर एक टफ प्रोसीजर हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और पैसे भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका केस तभी फाइल करना चाहिए जब आपका केस कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का हो, जैसे कि किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण, किसी डॉक्टर के रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण या फिर किसी डॉक्टर की मिसबिहेव के कारण आपके किसी पेशेंट की जान चली गई हो या फिर आपके पेशेंट का ज्यादा कोई ऑर्गन्स डैमेज हो गया हो या कुछ और ज्यादा नुकसान हो गया हो, ऐसे फॉल्ट्स में आपको सिविल प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, इसके बाद आप एक अनुभवी एडवोकेट से सलाह लेके और उस डॉक्टर के अगेंस्ट में सिविल में एक केस फाइल कर सकते हैं। अब सिविल में केस जब फाइल करते हैं तो उसकी सबसे लॉन्ग प्रोसेस ये होती है कि आपको अपने गवाहों और डॉक्यूमेंट्स को एक पूरी विधिवत तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कोर्ट के समक्ष। अगर आप ये करने में सक्षम होते हैं तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट में आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, साथ में उसे सजा का भी कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसे मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो एक बार मैं फिर से अपनी वही बात को दोहरा रहा हूं कि आपके अगेंस्ट में फिर से वो डॉक्टर एक मानहानि लीगल या फिर सिलेंडर का केस फाइल कर सकता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो अपने अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकारों के लिए ही आप इन सब चीजों को फॉलो करें, और इन सब चीजों को फॉलो करने से पहले आपके सही गवाह, सही सबूत, सही डॉक्यूमेंटेशन, सही प्रोसेस आप एक बार कलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप इन चीजों को फॉलो करें। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि अगर आपके साथ डॉक्टर ने किसी प्रकार का मिसबिहेव, मिसलीड या फिर मिसगाइड करके फेक रिपोर्ट्स बना के आपका ट्रीटमेंट किया है और आपसे ज्यादा पैसे की डिमांड की है, ज्यादा पैसे आपसे ले लिया है, तो कैसे आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।